करनाल की शान कही जाने वाली टेस्ट ऑफ करनाल नाइट मार्केट अब दिन में भी खुलेगी, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है, इसलिए दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक आप अपने परिवार के साथ यहां पर आ सकते हैं और बैठकर नाइट मार्केट में फूड का आनंद ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपको सामान यहां से पैक करवा के ले जाना है तो आप पैक करवा के भी ले जा सकते हैं, और डिलीवरी करवानी है तो भी डिलीवरी हो जाएगी। तमाम यहां पर स्टॉल हैं, एक के बाद एक स्टॉल हम आपको दिखा रहे हैं, और यहां पर आप आ सकते हैं, कुछ भी आपको खाना है वेज में या नॉन वेज में तो आइए आप और यहां पर आनंद उठाइए अपने परिवार के साथ। एक एक स्टॉल हम आपको दिखा रहे हैं, तुषार चिकन हब है, इसके अलावा और भी तमाम स्टॉल्स हैं जो यहां पर हैं, और यहां पर आपको अलग अलग जायका, अलग अलग आइटम्स मिल जाएगी जो भी आप खाना चाहते हैं। ड्रम्स ऑफ हेवन है, क्या कुछ है यहां पर खास उनसे एक बार जान लेते हैं, क्या कुछ है जो यहां पर एंजॉय करने के लिए आना चाहते हैं नाइट मार्केट में वो लोग आ सकते हैं। सर हमारे पास तंदूरी में सभी आइटम है, जैसे कि तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, चिकन मलाई टिक्का, फिश टिक्का, साथ के साथ हमारे पास चाइनीज में भी है, वेज में भी है और नॉन वेज में दोनों आइटम हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं जो जो स्टॉल यहां पर खुली है, बहुत सारी स्टॉल खुली हुई है और इसका आनंद उठाने आप आ सकते हैं दोपहर के समय भी, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है, इसलिए मार्केट जो है वो दोपहर को भी खुली रहेगी 2 से 6। देसी स्पाइस और यहाँ पर क्या कुछ खास आपको मिलने वाला है बता दीजिए एक बार। सर हमारे यहाँ का तंदूरी चिकन बहुत ही स्पेशल है, और बटर चिकन और लेमन चिकन तो शहर में कहीं और इसके साथ का मिल ही नहीं पाएगा आपको, और हमारे रेट भी जो है सारी मार्केट में सबसे कम है। तो आप एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से कई लोगों को जानकारी ही नहीं है कि नाइट मार्केट अब दिन में भी खुल गई है, इसलिए हम आपको वो जानकारी बता रहे हैं। तंदूरी जायका जो एक और स्टॉल है, क्या कुछ खास यहाँ पर मिलेगा? सर हमारे पास इंडियन कुजीन मिल जाएगी, जिसमें हमारे पास वेज में स्टार्टर्स होंगे और वेज में मेन कोर्स होगा, वेज नॉन वेज में स्टार्टर्स होंगे, नॉन वेज में मेन कोर्स होगा। यहाँ पे प्रॉपर इंडियन जो फूड होता है वो मिलेगा आपको इंडियन टेस्ट में, इंडियन फ्लेवर्स के साथ, और आप इधर एक बार खाएंगे तो आप दोबारा वापस फिर से आएंगे ट्राई करने, इतनी गारंटी है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और दोपहर 2 से 6 बजे तक नाइट मार्केट खुलने वाली है, इसके अलावा आप 6 बजे के बाद आ सकते हैं तो आप यहां से टेक अवे यानी कि पैक करवा के ले जा सकते हैं। क्या कुछ खास मिलने वाला है इस स्टॉल पर, क्या नाम है इसका? रॉयल किचन है सर, यहाँ पे आपको चिकन पकोड़ा, चिकन फिश पकोड़ा और ये कहते हैं चिकन पॉपकॉर्न सब कुछ मिलेगा, मोमोज, चिकन मोमोज भी है, वेज मोमोज भी है, वेज की भी वैरायटी है, चिकन की भी वैरायटी है। तो एक एक स्टॉल जहाँ पर आप आएंगे और एंजॉय करेंगे, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अलग अलग स्टॉल है और तमाम लोग यहां पर पहुंचते हैं, और अब जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है तो उसके बाद नाइट मार्केट को खोलने के लिए परमिशन ली गई है बाकायदा, 2 से 6 दोपहर को यहां पर बैठकर लोग आनंद उठा सकते हैं और उसके बाद यहां पर आ सकते हैं टेक अवे के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहां का फूड बहुत अच्छा लगने लगा है। क्या कुछ दुकान का नाम और क्या कुछ खास यहां पर मिलने वाला है? मेरा नाम अभिषेक है और मेरी शॉप का नाम मीट एंड मोशन है, और चिकन में अभी तो अवेलेबल हमारे पास चिकन है, क्योंकि रेड वाले आपने काउंटर्स बनाए हैं जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, जो रेड वाले काउंटर्स नॉन वेज के होंगे और ग्रीन वाले वेज के होंगे, तो हमारे पास नॉन वेज होता है तो ग्रीन वालों के पास वेज होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टॉल हैं किचन वुड्स के नाम से, और क्या कुछ खास मिलने वाला है यहाँ पर? सर हमारे पास है जो है टोटली हैदराबादी बिरयानी है, हमारा कॉन्सेप्ट है जो हैदराबाद से है, टोटली हमारे पास स्नैक्स वगैरह हैदराबादी बिरयानी, दम बिरयानी, वेज बिरयानी टोटली अवेलेबल मिलती है सर हमारे पास यहाँ पे, प्लस स्नैक्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, सारा कॉन्सेप्ट सर हमारा हैदराबाद का, ये हम बताना चाहेंगे सर। तो नाइट मार्केट दोपहर को भी खुल रही है, 2 से 6 दोपहर का ये समय रहने वाला है, और इस दौरान आप यहां पर बैठकर जायके का आनंद ले सकते हैं, और उसके बाद जो समय है वो यहां पर अपने परिवार के साथ अगर आप
आते हैं तो फिर आपको पैक करके आपका जो लजीज खाना है वो मिल जाएगा। क्या दुकान का नाम और क्या कुछ खास मिलने वाला है? सर, प्रोटीन लवर से हमारी शॉप का नाम है। नॉनवेज में टोटल नॉनवेज भी और वेज भी सभी अवेलेबल है हमारे पास। तो अभी डीसी साहब के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हम लोग 2 से 6 तो शाम के तब यहाँ पर हम खिला सकते हैं, उसके बाद टेक अवे। एक्चुअली अभी लोगों को पता नहीं है कि नाइट मार्केट 6 बजे तक 11 बजे तक है, तो सभी लोगों को लगता है कि 6 बजे लॉकडाउन है, इसलिए नहीं अभी लोग इतना क्राउड आ रहा है। तो दोपहर 2 से 6 बजे तक आप यहाँ पर आकर खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पैक करवाने की भी परमिशन है, यानी कि डिलीवरी की परमिशन है, टेक अवे की परमिशन है। इसके अलावा और जो शॉप खुली हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आकर आप उसका आनंद उठा सकते हैं। रोल अड्डा, जहाँ पर आपको टेस्टी टेस्टी रोल मिलने वाले हैं, क्या कुछ खास मिलने वाला है आपको यहाँ पर? हमारा जो रोल अड्डा के नाम से यहाँ बहुत सारे रोल है। एक हमारी स्पेशल आइटम है चिकन कौरमा, इसको दिखाओ, इसके साथ 2 परांठे हैं और ये एक प्लेट है ओनली 199 की। इसी तरह हमारा 2 एग परौंठा विद ग्रेवी है ओनली 149। बाकी रोल हैं, मोमोज हैं, आप आइए, और जोमेटो पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं काठी रोल अड्डा के नाम से। बाकी आप मार्केट खुली है, आप 11 बजे तक आप कभी भी आइए, टेक अवे लीजिए, डिलीवरी आप कभी भी ले सकते हैं। थैंक यू। तो कभी भी आप आ सकते हैं, 2 से 6 बजे तक आप यहां पर बैठकर जायके का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप 6 बजे के बाद आते हैं तो आप यहां से पैक करके अपना सामान, अपनी फूड आइटम लेकर जा सकते हैं। एग कॉर्नर, उसके अलावा और भी बहुत सारी दुकानें, तुषार चिकन हब, और उसके अलावा लोग यहां पर आते हैं अच्छा फूड लेने के लिए। क्या कुछ खास अंकल जी यहां पर? अपने यहाँ पे फिश है, फ्राइड पकौड़े हैं, चिकन पकौड़े हैं, तंदूरी चिकन है, सारी आइटमें हैं, तंदूरी कुरमा आइटम है। बाकी मेन अपनी फिश और ज़्यादा पकौड़ों में आइटम ज़्यादा। तो 2 से 6 बजे तक आप नाइट मार्केट का आनंद उठा सकते हैं, टेस्ट ऑफ करनाल नाइट मार्केट। और इसके अलावा MV चिकन कॉर्नर भी है, और यहाँ से भी आप अगर अपनी कोई भी मनपसंद चीज खाना चाहते हैं चिकन के अंदर तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। क्या कुछ खास भैया? यहाँ तवा चिकन है, फिश है, अभी लॉकडाउन में कर हमने कुछ हट में बंद कर रखी हुई है यहाँ पे, जो कस्टमर की दिक्कत हो रही थोड़ी सी, इसलिए अभी फिलहाल तवा चिकन और तवा मटन है हमारे पास। तो आप आइए यहाँ पर आनंद उठाइए, और 2 से 6 बजे तक आप आ सकते हैं, आपको सिटिंग मिलेगी बकायदा, यहाँ पर आप बैठकर जायके का आनंद ले सकते हैं। और उसके बाद 6 से 11 बजे तक नाइट मार्केट खुली रहेगी, लेकिन आपको सिटिंग नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपना सामान, अपना फूड पैक करवाकर यहां से ले जा सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम आपको लेकर पहुंचे हैं करनाल की नाइट मार्केट में, जहां पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नाइट मार्केट है, कोविड प्रोटोकॉल्स आए हैं कि शाम को 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खुल सकता, लेकिन वो चीज क्लियर करने के लिए हम आपको लेकर पहुंचे हैं नाइट मार्केट में। तो आपको बता दूं, दोपहर 2 बजे से शाम को 6 बजे तक आप यहां पर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आ सकते हैं, सिटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, यहां पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं खाना, और शाम को 6 से रात को 11 बजे तक आप लोग टेक अवे ले सकते हैं, वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मेरे सहयोगी ने आपको नॉनवेज सेक्शन दिखाया और मैं आपको इस वक्त लेकर पहुंची हूं वेज सेक्शन में, जहां पर इस वक्त मैं पहुंची हूं मैक पिज्जा पॉइंट पर, जहां पर आप लोगों को क्या कुछ स्पेशल मिलने वाला है वो आपको बात करवाते हैं, क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ टेस्टी यहां पर मिलने वाला है। तो सर, क्या कुछ करनाल के लोगों को मैक पिज्जा पर स्पेशल मिलने वाला है? स्पेशल पिज्जा तो वही जो चलता है, डबल चीज वगैरह जो नॉर्मली चलते हैं पिज्जे, तो वही है मेन। बाकी जो टाइमिंग थी पहले, अब 11 बजे तक होगी है, 6 बजे के बाद पैकिंग। तो अभी भी मतलब लोग आनंद उठा सकते हैं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जो पहले थे वैसे ही ले सकते हैं हम। तो आप लोग नाइट मार्केट में पहुंचकर मैक पिज्जा खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी अलग अलग पिज्जा आप लोगों को मिलने वाला है। साथ ही साथ सोयाबीन, जी हाँ, मिस्टर सोयाबीन भी है यहाँ पर, वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आप बेसिकली यहाँ पर दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक सिटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और शाम 6 से रात को 11 बजे तक टेक अवे भी अवेलेबल है। बहुत टेस्टी टेस्टी आप लोगों को खाना, अलग अलग वैरायटी ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो सर, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ करनाल के लोगों के लिए खास यहाँ पर मिलने वाला है? यहाँ पर आपको जैसे पता है कि नाइट मार्केट के अंदर एक ही जगह के एक ही पॉइंट के ऊपर सबकी जरूरतें पूरी होती हैं, तो डिफरेंट वैरायटी है। तो ये लॉकडाउन की वजह से जो हमारा टाइमिंग है वो 6 o'clock तक तो आप खा सकते हैं यहाँ पर, बस 6 o'clock के बाद आप टेक अवे यहाँ पर आपको अवेलेबल है टिल 11।
तो हम जैसे नाइट मार्केट को लोगों ने बहुत प्यार किया और इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो हम दोबारा चाहते हैं कि नाइट मार्केट को दोबारा आप आओ, दोबारा विजिट करो हमें 6 o'clock के बाद। तो आप चाहे वेज के शौकीन हैं या फिर नॉन वेज के शौकीन हैं, यहाँ पर नाइट मार्केट में पहुंचकर आप सभी चीजें इंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर भी है दी ग्रामीण डेयरी फार्म, यहाँ पर क्या कुछ मिलने वाला है करनाल के लोगों को, आइए इनसे पूछते हैं। तो मैम, क्या कुछ करनाल के लोगों के लिए आप यहाँ पर स्पेशल देने वाली हैं? नमस्कार, सबसे पहले यहाँ पर आपको पनीर 100% प्योर पनीर मिलेगा, क्योंकि हमारा खुद का फार्म है, पशु रखे हुए, हमने पनीर हम खुद बनाते हैं। 100% प्योर पनीर मिलेगा, पनीर से बनी सभी आइटमें आपको यहाँ पर मिलेंगी, शुद्ध और अच्छे मिलेंगे। आइए और एक बार टेस्ट जरूर कीजिए। तो पनीर के शौकीन तो सभी लोग ही होते हैं, पनीर की अलग अलग वैरायटी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है, और वो भी प्योर पनीर। तो यहाँ पर आकर आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं, कृष्णा वेज फूड। इस वक्त हम कृष्णा वेज फूड पॉइंट पर पहुंचे हैं, यहाँ क्या कुछ मिलने वाला है वो भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो हेलो सर, क्या कुछ यहाँ पर स्पेशल, क्या कुछ खास मिलने वाला है करनाल के लोगों को और क्यों यहाँ पर आए? सूप होते हैं जी, वेज सूप है, मोन्चो सूप है, भेलपुरी है, बाकी शेक्स वगैरह है, और बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आइटम भी लाओ। तो शाम को हल्का फुल्का कुछ खाने का मन करे, स्नैक्स लेना है, शेक्स लेने हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। दोपहर 2 से शाम को 6 बजे तक यहाँ पर सीटिंग एरिया अवेलेबल है, वो आप बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, और शाम को 6 से रात को 11 बजे तक आपको टेक अवे का ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ पर मैं इस वक्त में देख रही हूँ स्पेशल कुल्हड़ केसर दूध देख रही हूँ, मतलब देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है, और आप लोग भी यहाँ पर आकर इसका एंजॉय जो है कर सकते हैं। क्या कुछ और स्पेशल मिलने वाला है तो सर से पूछते हैं। सर, दूध तो मैंने देख लिया, मतलब मेरा तो खुद मन ललचा रहा है, और क्या कुछ मिलने वाला है यहाँ पर? हमारे पास गरम गुलाब जामुन भी है, स्वीट कॉर्न है, एक्सप्रेसो कॉफी एंड कुल्हड़ चाय और जूस एंड शेक्स, ये सब चीज है। और अभी तो सब कुछ था बढ़िया, एकदम ही ऐसा हुआ तो अब चलने लगा है, अब धीरे धीरे कस्टमर्स को पता लगेगा तो आएंगे, उनको हम आगे हम अपना टेस्ट देंगे। हमारी और भी करनाल में 3 शॉप हैं गांधी जूस के नाम से, तो यहाँ पर भी हमने नया कॉन्सेप्ट शुरू करा था और अब चल रहा है, देखो। तो सर्दी में गरम गरम दूध और गरम गुलाब जामुन मिल रहा है, हो कितना मजा आता है यार, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप लोग यहाँ पहुंचेंगे। और एक ये है लाजवाब, नाम ही लाजवाब है, और लाजवाब में क्या कुछ मिलने वाला है वो सर से बातचीत करते हैं। नाम तो सर लाजवाब है, खाने में क्या क्या लाजवाब मिलने वाला है यहाँ पर? मैम, यहाँ सभी लाजवाब चीजें यहाँ पे, चाउमीन वगैरह, बर्गर वगैरह, चिली वगैरह, फ्रेंच फ्राई वगैरह, चिली टैट वगैरह, बाकी हमारा पनीर टिक्का है, मलाई चाप, सभी लाजवाबी है, सब चीज लाजवाब। तो सब चीज यहाँ पर लाजवाब मिलने वाली है। तो और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे नाइट मार्केट के बारे में? लोगों को टाइमिंग की कंफ्यूजन थी, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मैडम, हम पहली बार आए हैं यहाँ और हम लोगों ने अभी सूप यहाँ पर ट्राई किया, सो इट्स वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी इज वेरी नाइस। और सबसे अच्छी बात ये है कि करनाल में इस तरीके का कोई स्पेस नहीं था जहाँ लोग आकर के थोड़ा एंजॉय कर सकें, थोड़ा फील कर सकें, तो ये बहुत अच्छी जगह है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन है, मैं यही बोलना चाहूंगा। सर, आप क्या कुछ कहेंगे, आपने क्या कुछ यहाँ पर खाया, क्या कुछ एंजॉय किया, क्या हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? जैसे सर ने बताया कि सूप ही हमने ट्राई किया है और काफी अच्छा टेस्ट था और क्वालिटी बेटर थी। एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि इस चीज से करनाल की वैल्यू बढ़ती है और बड़ी है डेफिनेटली, और जैसे जैसे ये प्रमोशन हो रहा है तो लोगों को पता चल रहा है कि करनाल में भी एक ऐसी नाइट मार्केट है जहाँ पर आप अपने मन चाहे जो भी आपको पसंद है वो आप इजीली खा सकते हैं, और एक ही जगह पर आपको सारी चीजें मिल रही हैं, तो इट्स अ वेरी वंडरफुल इनिशिएटिव जो लिया है। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत बेस्ट चीज है। सो हैप्पी कस्टमर, सेटिस्फाइड कस्टमर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, एक ही जगह पर वेज नॉन वेज सभी चीजें मिल रही है, काफी कस्टमर्स है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कुछ कहेंगे, यहाँ पर क्या कुछ ट्राई किया है और क्या कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? जी मैम, मैं बताना चाहूंगा, हम पूरी टीम के साथ आए हैं और फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं, और अभी हमने सूप ही ट्राई किया है, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह, हेल्थ के लिए इन्होंने अच्छा ध्यान रखा है कि हम लोग हेल्थ को मेंटेन कर पाए, और अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। और हम श्योरली, मैं अपने साथ जितने भी लोग कनेक्ट आए हैं, मैं सबको बोलना चाहूँगा कि एक बार आप यहाँ विजिट करें और यहाँ ट्राई करें, जो भी यहाँ पर स्टॉल हैं, आप लोग यहाँ का जो भी अगर फूड आइटम है उसे जरूर टेस्ट करें, और बहुत अच्छा लग रहा है करनाल में इस तरह की एक्टिविटी को देखने के बाद। थैंक यू मैम।
तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी को यहाँ पर इस तरह से कुछ अनोखा कॉन्सेप्ट जो आया है। लेकिन एक लोगों में कंफ्यूजन थी कि प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग कि हम जा पाएंगे या नहीं, लेकिन बता दूं कि दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक आप लोग यहाँ पर सिटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, खा सकते हैं, और शाम 6 से रात को 11 बजे तक आप लोग टेक अवे ऑप्शंस अवेलेबल है, घर पर लेकर जा सकते हैं। अभी इस वक्त मैं आपको लेकर पहुंची हूँ वेज क्वीन, और मैं देख सकती हूँ हांडी खीर, हरियाणवी ढोकला और गुड़ की खीर मिल रही है। गुजराती ढोकला तो सबने खाया होगा, लेकिन यहाँ पर आप हरियाणवी ढोकला खाने वाले हैं। तो सर क्या कुछ मिलने वाले, क्या कुछ स्पेशलिटी है हरियाणवी ढोकला में देख रही हूँ, क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को? यहाँ हरियाणवी ढोकला में एक राय का तिड़का होता है, उसमें बेसन होता है, अपना खुद का बनाया होता है, और गुड़ की खीर है, हांडी वाली खीर है, गाजर का हलवा है, खाने में टेस्टी है। यहाँ आए कस्टमर और खाए, जब सारी दुकानें खुलेंगी, सारे स्टॉल खुलेंगे, कस्टमर आएंगे, तो तभी मार्केट की शोभा बढ़ेगी। तो ठंड को एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर, हांडी वाली खीर, गरम खीर, गाजर का हलवा एंजॉय कर सकते हैं। और अगर खाने के बाद आपको पान खाना है, कि बहुत लोगों को अच्छा लगता है कि खाने के बाद कुछ अच्छा मीठा हो जाए, पान हो जाए, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला। तो सर से बातचीत करते हैं, कौन कौन से पान मिलने वाले हैं, क्या कुछ लोग एंजॉय कर सकते हैं, सर क्या बताएंगे कौन कौन से पान यहाँ पर मिलने वाले हैं हमारे करनाल के लोगों को? हाँ जी, हम हमारे पास स्वीट पान, चॉकलेट पान, स्ट्रॉबेरी पान, बटर स्कॉच, सबसे बेस्ट हमारा फायर पान है। हाँ जी मैम, तो बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो फायर पान काफी अच्छा लगता है। तो अलग अलग फ्लेवर्स भी मिल रहे हैं और फायर पान भी मिल रहा है। फायर पान एक मुझे लगता है एडवेंचर होता है बहुत से लोगों के लिए, तो वो भी आप लोग यहाँ पर आकर कर सकते हैं। बहुत से आप लोगों को यहाँ पर स्टॉल्स मिलने वाले हैं। अभी इस वक्त हम एक और पॉइंट पर पहुंचे हैं, सर से बातचीत करते हैं यहाँ क्या कुछ खास मिलने वाला है और क्या कुछ आप लोगों को खाकर यहाँ पर मजा आने वाला है। सर क्या कुछ यहाँ पर करनाल के लोगों को मिलने वाला है? मोमोज है मैम, स्पेशल मोमोज मिलने वाले हैं। मोमोज तो जान है सबकी तो यहाँ पर मोमोज मिलने वाले हैं। मोमोज किसको पसंद नहीं है, बच्चों को, बड़ों को, सबको मोमोज पसंद है। तो आपने चाहे मोमोज खाने हैं, वेज में कुछ खाना है, नॉन वेज में कुछ खाना है, सभी चीजें आपको यहाँ पर करनाल की नाइट मार्केट में मिलने वाली है। और स्पेशली मैं आपको टाइमिंग बता देना चाहूंगी कि प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक जो आप लोग यहाँ पर पहुंचकर बैठकर फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ खाना एंजॉय कर सकते हैं, और शाम 6 से रात को 11 बजे तक टेक अवे ऑप्शंस अवेलेबल रहने वाले हैं। तो नाइट मार्केट जो है ना, अनोखा कॉन्सेप्ट खुला था, वो अभी भी चल रहा है। आप लोग पहुंचिए और एंजॉय कीजिए एक ही जगह पर सभी तरह का खाना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।